अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से, हम सब ठीक है। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। तेल निकालने लगी, एक पुचका लगा तो सारा गिर गया। इतनी ज़्यादा नींद आई, जुमे की नमाज़ पढ़ी तो सोने लगी तो बाहर से राशिद आए, कह रहे तुम्हारी दोस्त के ना हस्बैंड फौत हो गए। मैंने कहा कौन से? कह रहे जो दूध दही बेचते थे। फिर उधर गई हूँ, अभी वापस आई हूँ तो नींद आई भी है, कुछ सोने नहीं दे रहा। ये देखे ना सोए हुए मेरी चुनो मुन्नो झूले में, ना फिक्र ना फाका है। हम भी बचपन में इतने क्यों होते हो, यूं ही होंगे वो तुम्हारे अम्मी अबू को पता है ना अम्मी को। तो अल्लाह हमको जन्नत फरदौस में अम्मी को अलम काम दे, उनको पता है। तो बहुत दुख हुआ, उनके हस्बैंड फौत हुए, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे। नहीं करो ना बेटा, बहुत बुरी बात, जब ब्लॉग बनाओ बच्चों का शोर होता है। प्यारे व्यूअर्स, हमारे साथ ना, हमारे साथ क्या, राशिद के साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ भी हुआ है सच्चे। वो इस वजह से रात को भिंडी बनाई थी तो आज रात के लिए भी रखी हुई थी। तो राशिद साहब ने सुबह बोला मेरा दोस्त आ रहा है, कौन सी जगह से? ये सरगोधा से। सरगोधा से ना, उनको थोड़ा सा पिंडी में काम भी था, राशिद के साथ ही उन्होंने जाना था और इन्होंने कहा उसके लिए ना खाना बनाएंगे। मेरे का भिंडी पड़ी है तो चलो हम वो नाश्ते के टाइम खा लेते हैं ना, बच्चे खुश हो जाएंगे। कह रहे ठीक है भिंडी खा लेते नाश्ते के टाइम। भिंडी हमने नाश्ते के टाइम खा ली, राशिद कह रहे थोड़ी सी रहने दो। मैंने कहा नहीं, बच्चों को खाने दो। फिर वो पड़ी रहती, कल कौन खाता, आगे खा के तो पेट ही खराब होते, भिंडियों से तो वैसे पेट खराब हो जाता है। तो मुझे तो वैसे भी नहीं पसंद इतने बेकार आते उसके, फिर भी मैंने खाई है। जी मेरे छोटा सा काका जी, जी काका बड़ा चलाती है मस्तोरा। हाँ जी, तो अब उन्होंने कॉल की, कह रहे मैं कल शाम को आऊँगा, मैं खाना नहीं खाऊँगा, कल शाम को आऊँगा। नहीं वो दरअसल ना, वो जहाँ पे आए हैं ना, वो किसी मेरे हाल में आर्मी वाले के पास आए, जिस भाई के पास आए वो आर्मी की उसकी ड्यूटी है। अच्छा, कहता है कि मुझे एक घंटा टोटल मिलना है, तो उसमें हमने अपना काम भी करना है और आपके घर भी आएंगे तो फिर हमें मुझे ना जवाब देना पड़ेगा। तो कल साहब जी चले जाएँगे मेरे, तो फिर कल हम आपके घर आएंगे। मैं कह जी ठीक है। उनकी बेगम ने स्पेशल कहा है अपने हस्बैंड को भी राशिद भाई के घर ज़रूर जाना, तो उनका प्यार है, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। मगर हमारे साथ तो बहुत बुरा है, उन पिंडियाँ भी खा गए हैं। जी हमारी कहती हैं हर बच्चों के घर में गर्मी है, हमने कहा हमारा घर इसलिए ठंडा है, हम घर में अपने बर्फ लगाते हैं, फ्रिज का दरवाजा खोल देते हैं ना। ये देखो ऊपर बर्फ लगी, वो कितनी बर्फ लगी, वो देखिए ऊपर कितनी बर्फ लगी है, वाइट वाइट, ये बर्फ ही है ना, ये बर्फ है सारी। उत्तर जी गर्मी जिस टाइम होगा ना, हमारा घर बेशक नीचे तो वो फिर भी ठंडा होता है, अबस होगी। अच्छा, नहीं उस दिन कितनी गर्मी थी, मैं फोत हो गई थी। ये मामा की रूह बैठी न सोए न सोए चेल आ गई है। किसी बहाने तो बेगम से डरते हैं ना, सब डरने हैं, सब तो सब डरने हैं जी। तो डरा ना, बात मर्द हजरात जितने भी हैं ना, वो अपनी बेगम से लाजमी डरते हैं, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए। अच्छा कौन कौन डरता है जी अपनी बेगम से, आप सबने कमेंट में बताना, इनका जरा सा ना दूर करना प्लीज, कमेंट में जरूर बताना किस किस की बीवियां अपने हस्बैंड से डरती हैं। मसलन ऐसे डरते हैं कि कुछ बाहर काम करें, यार ये मेरी बीवी को ना पता चले, ये भी डर हो गया ना, पुठे काम करो एक मिनट ना, ये भी डर हो गया। अच्छा किसी से भी कमसाल है, किसी से फ्रेंडशिप भी होगी ना, यार ये मेरी बुड्ढी को ना पता चले। नहीं अच्छी दोस्ती हो तो क्यों बुड्ढी को ना पता चले। अच्छा एक मिनट ना, बात सुने ना, डरने की बात है ना, सुथरे तो क्या काम करो, डरने की बात है ना, मुझे ये बता, मुझे ये सुने तो सही ना, डरने की बात है ठीक है, कुछ भी है ना, अगर बिलफर्ज कोई सब्जी लेने चला गया, फ्रूट लेने चला गया, तो कहेगा
फ्रूट और सब्जी अच्छी डालना, नहीं तो मेरी बुढ़ी रोला डालेगी। ना गंदी लेके आओ सब्जी, ठीक है? मेरी बातें आपको झूठी लगती हैं। उस दिन मैं जब मैंने आपको गंदी सब्जी लेके आओ, जो गंदी होगी ना वो निकाल के मैं लैदा आपको पका के दिया करूंगी, साफ सुथरी जो होगी मैं तो मेरे बच्चे खाएंगे। अब फाइनल हो गया, क्योंकि डरते हो ना जनानी से तो फिर पता लग जाएगा गंदी सब्जी खाएंगे। अच्छा, उस दिन मैं जब गया था ना बिल सही करवाने, तो मेरा दोस्त जो साथ था जो कहता है मैं तो कोई चीज़ घर लेके आऊँगा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहता मैं आप लेके आया, उसने खराब डाल दिया मुझे, वो जनानी ने रोला डाला। तोलने से पहले बोलो भाई हमने खुद डालनी है चीज़, जिस तरह से मैं चुन के चीज़ शापर में डालती हूँ वो फिर भी ना जिस टाइम तोल में होता कभी कम हो जाता कभी ज़्यादा हो या निकालते हुए या फिर भी वो चीज़ ख़राब डाल देते हैं। जिस टाइम तुल के मेरे हाथ में शापर आता है ना फिर मैं चेक करती हूँ, फिर जो ख़राब होते हैं मैं कहती भाई ये ख़राब है, ये आप रख यूँ किया करें तो बाग अपनी मर्जी ना दे सन चा का कार, तो फिर फायदा क्या लेके आने की चीज़ जो खराब तरक्की बिच कीड़े। फिर भी बातें सुनो, बेगम तो हजार हजार बातें सुनाती है, जो मर्जी ले आओ मैं चा का सोना भी लाया सोना अक्सर नहीं थू तो सही यार अक्सर एथू भी इसने कुंडी टूटी है इसने नाग नहीं सही इस नाल बेहतर है मैं नहीं तो सोना चिप खड़ी बा भी लेके ओ भी धागा बा के गले पा ले सा नाते ना ला ले सा ना आंख भी खाली कान भी खाली गला भी खाली सो एक दफा सोना ला तो दे दा एक चलो जी आपने अपनी बेगम के साथ इस तरह करना मेरी कौन सी होगी मेरी कौन पहले इसको ये बताए मेरी कौन सी होगी आपके हमने अभी शादी करनी है नहीं नहीं अभी छोटा ऐसी बातें अभी तो नहीं ना मैंने कहा इसकी शादी करनी है पहली गलती मेरी मैंने बोला आपने अपनी बेगम के साथ ऐसे करना पुत्र मैं आपको नसीहत कर रही हूँ वक्त से अब शादी ना करना पुत्र नहीं नहीं शादी मेरी एक पुत्र है मैं दो नुआ लेके आऊंगी दो मेरी नुए होंगी आपको दुई आ नहीं देनी आपको मैंने कहा ना आप दूसरी लेके आए मैं आपको लिख के दूंगी बस कर मैं आपको बस लिख के नहीं नहीं मैं एक सही पाला डाल लूं ना वही बात अच्छा, है अच्छा शादी को छोड़े आप ये सुनाए फिर राती क्या खासा राती बटे खासा पत्थर खाएंगे तो नहीं पुत्र आजकल वो ग्लेंडर आया हुआ है उससे ग्लेंडर करके देंगे जी टूट जाएगा यूसुफ मशीन का चले इनशाला देखते हैं ना जो भी नसीबों में हुआ तो खाएंगे लेकिन अभी मैं जाऊंगा अभी मुझे आपने क्या कहा था क्या लेके आना मैं कुछ भी नहीं लेके आऊँगा आप खुद जाएंगी मैं जो मुर्गी भी लेके आसा ना तो तम सो ए इसनी हड्डी बाहर निकली आप मुर्गी ना ना लेके आए आप चिकन लेके आए मुर्गी का गोश्त लंगर कुसा गुप्पा सही नहीं बस आप मुर्गी ना लेके आए हम छोटे छोटे चूचे लेके आएंगे वो लाल पीले नीले बड़े अभी अभी नहीं हाँ अभी ये जो चूचे हैं माशाल्लाह ये चूचे ही हैं ना ये नीचे कबूतर वाली नई दुकान निकली उधर से 20 रुपए का एक चूचा मिलता है 20 इतना सस्ता सही है चलें जी इंशाल्लाह जो भी रूटीन आपसे शेयर करते हैं कितनी ज्यादा मक्खियां हैं ये अब्बा जी और हमने जो शरबत बनाया उसमें चीनी नहीं थी मगर मक्खियों को फिर भी मीठा लग गया है शरबत ये किसने ग्लास भर के फेंका हुआ है कितनी बुरी बात है मक्खियां ये मेरे हाल में जारा का काम है एक ये मक्खियां तो दूसरी जनानी बहुत तंग कर रहा है अच्छा तंग पे हो बहुत ही आप लोग तंग करते हो क्या करें आपका हाल मेरी छोनी मामा के पास आने के लिए लो ली थी क्या हुआ था तो आज मैं इधर से पहले ये सब कर लूँ ये जो क्या नाम है फर्श दो इसको तो इसको धोएं जरा सा तो जरा सा क्यों सही दूँ हाँ हाँ भाई धो देना इसको धोएं क्योंकि साफ निशान पड़ा हाँ साफ निशान बिल्कुल पड़ा हुआ ना ये किसने गिराया आपने ना शब्बा किसने गाया जरा आपने जरा आपने आपने नहीं गाया आपने गाती मुझे पता है तो अभी इसको धोए फिर मैं क्या क्या लेके आना बाहर से थोड़ा जरा सा बेसन ले आए जरा सा यानी कि इतना चुनी सा हो जाए इधर देखें जरा मेरे हाल में नहीं धोया होगा इन्होंने ना धुला हुआ है अच्छा बेसन लेके आऊँ अंडा और क्या बस एक मुर्गी का अंडा एक मुर्गी का अंडा
तो और कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या नाम है, बिनिया सुबह खा लिया, तो अभी यही प्रोग्राम हुआ है, विंग्स पड़े हुए हैं, उन्हीं को करते हैं तलाई, फ्राई ही नहीं। हाँ, मेरे ख्याल में ये ऊपर खेस बच्चों का काम है या आपका? मैंने डाला था, मैंने कहा भाई छाऊंगा रोटियां बनाऊं, तो ये लगा के बिछाऊनी थी आई, तो फिर मैंने नहीं उतारा ही नहीं, नहीं मैंने फिर इधर बैठ के बनाया नाश्ता। हाँ हाँ, चले ठीक है, आप निकाले, मैं सामान लेके आता हूँ। माशाल्लाह जी, ये हमारा सामान सारा लग चुका है, तो अभी हम इसको खाना शुरू करने लगे हैं। मैरिनेट करना शुरू। अच्छा, मैरिनेट अभी खाना नहीं शुरू किया। ये हमारी हल्दी, हल्दी होगी, ये हमारी, मैं इनका मैरिनेट करके रख दूँ तो शायद पता एक घंटा होगा, तो अभी फिर आप देख लीजिए। ठीक है, आप ये करो ना, ये गरम मसाला हाफ स्पून, अभी नहीं एक घंटे तक ये मैरिनेट होगा फिर। हाँ जी, साथ में मैं उधर से हूँ। हाँ बिल्कुल, आप भी उधर से हो जाएंगे, फिर मैं भी जनाजा पढ़ के आऊँगा, तो फिर जाकर जारी बात है। हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं जाएंगे। पहले ये सूखे मसाले को अच्छी तरीके से करूँगा, चम्मच के फंस गए। दही भी बीच में डाल देना, फिर इसको मैरिनेट करेंगे, फिर अच्छे तरीके से हो जाएगा ना। हाथों से करूँगे, हाथों से करें, सारी बात आ रहा है। ये मेरा सिर का खटास के लिए, नींबू नहीं है, सिर का ही डाला, बस थोड़ा सा दही, बच बच के लिए, तोला चाह बच के लेना, ज़्यादा ना डाले ना। आयुष बोतियाँ खाएगी? खाऊंगी ना, क्यों नहीं खाऊंगी। कमीज आयत को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसमें पहले स्पून पड़ी हुई है, तो आयत कमीज इसको पहनाओ फिर उतार देती है ना, उतारो इतना रोती है, तो फिर इसीलिए अब हमने भी चुप कर ली। मैंने हमने कहा पहने या ना पहने, वीडियो नहीं बनाने देते बिल्कुल भी। वही ना है, मौसम अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से, मौसम बहुत प्यारा। नमक, ये मैं तो अंडे डालती हूँ, आप नमक। क्या हुआ, क्या कह रही हो? हैं पहन ले, चलो जाओ पहन के आओ ना, फिर पहनो ना, जाओ जाओ पहन के आओ, पहनो। शुक्र कर, ये बात होती है, बेटियाँ कमीज नहीं उतारती, आप तो नमक लेके आए। ये हमारा नमक भी आ गया, छोटो ना बेटा। अंडे आज मैंने का थोड़ा सा डिफरेंट इसको करूँ, अंडे मैंने लगाते हुए वीडियो में देखा था, इसलिए आज अंडे लगा रही हूँ, इसको फ्राई करूँगी, एक घंटा लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना आप सब ने, और कमेंट करना प्यारा सा, और लाइक कर देना, और वीडियो पूरी देखा करें, जजाकल्ला। आगे जी, आगे आगे छबा जाके थोड़ा एक निका जा रोटी ना टुकड़ा रख गया है। हाँ जी, मैं बस अभी रोटी पहले बना लूँगी, ये बाद में पकाऊंगी, अभी इसको ये जो लेग पीस इस बीच में, हाँ बिल्कुल कट लगा के, तो फिर सही सही आएगा बिल्कुल। मिसालों की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, वो बेसन तो डाले ही बेटन सारा डाल दे, सारा डाल दे, सारा नहीं, हमने पकोड़े तो नहीं ना बनाने, नहीं पकोड़े बन जाएंगे ना, नहीं मान के पापा, चिकन पकोड़ा सही है, तो इसको ना ये अभी हम फ्राई करना तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, टाइम नहीं, फोटकी पे जाना है, फोटकी पे जाना है, क्योंकि मगरिब के बाद आधे घंटे बाद उनका जनाजा है, तो पीछे हो जाना, आये पीछे हो जाओ ना, पीछे हो जाओ बेटा। फ्रिज में रखूंगी, बाहर नहीं रखूंगी, है तो मौसम अच्छा है माशाल्लाह से, दो तीन दिन हो गए बारिश हो रही है, बहुत प्यारा मौसम है। ये हमारी चिकन पकौड़ा मैरिनेट रेसिपी, ऐसी चिकन पकौड़ा रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी, ये देखिए ये मैंने काटे नहीं पूरे पूरे छोड़े, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मिले बत्ती दंडा आला।